हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने एक लेटेस्ट हेयर कटिंग फॉर स्मार्ट लुक लेकर आए हैं। विश्वास है आपको जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले इन हेयर्स को हमने सुलझाते हुए कॉम किया। ये हेयर्स हमारे सामने लॉन्ग हैं और प्लेन भी हैं। तो इन हेयर्स में हम जो आपके सामने हेयर कटिंग दिखाएंगे, हमको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह का हेयर कट हम करेंगे जिससे कि फ्रंट पोर्शन का लुक थोड़ा अलग दिखाई दे और बैक पोर्शंस के हेयर्स भी फुली लेयर हेयर कटिंग के रूप में आए। तो सबसे पहले हमने कॉम करने के बाद में फ्रंट पोर्शन के हेयर्स को लिया सेंटर पार्टिंग की, और सेंटर पार्टिंग करने के बाद में हमने राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स को इक्वल हेयर्स को लिया और बॉक्स सेक्शन मिडिल हेयर्स का तैयार किया। ये देखिए, हमने ईयर टू ईयर का ध्यान रखते हुए ये सेंटर हेयर्स का बॉक्स सेक्शन करने के लिए हमने हेयर्स को डिवाइड किया। क्लियरिटी के साथ में हम हेयर्स की पार्टिंग करेंगे जिससे कि हेयर कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारी कटिंग अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, हमने बॉक्स सेक्शन तैयार किया और क्लियरिटी के साथ में जो पार्टिंग हमने की है वो दिखाई दे रही है। हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये देखिए इस तरह से। तो हमारा ये बॉक्स सेक्शन अब हम कॉम करके सुलझाने के बाद में इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन का सेंटर बॉक्स वाला जो सेक्शन है वो तैयार हो गया। और फिर हम लाइन से लाइन मिलाकर ईयर टू ईयर हेयर्स को जो हमने अभी छोड़े हुए हैं उनको कॉम किया और फिर इनको भी डिवाइड करते हुए लॉक कर देंगे। क्लियरिटी के साथ में पार्टिंग हम करेंगे और इन हेयर्स को लॉक कर देंगे जिससे कि ये हमारे फ्रंट पोर्शन का एक मैप तैयार हो जाएगा। ये हमारे राइट हैंड साइड के हेयर्स फ्रंट पोर्शन के डिवाइड हो गए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के जो फ्रंट पोर्शन के हेयर्स हैं उनको डिवाइड करेंगे। और ये ध्यान रखना होगा कि क्लियरिटी के साथ में हम लाइन से लाइन मिलाकर इन हेयर्स को लेंगे। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स हैं और पार्टिंग की, और ये एक अलग लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन तैयार हो गया। इनको भी हम फोल्ड करते हुए लॉक कर देंगे। अब फ्रंट पोर्शन के ये हमारे
हेयर्स तीन भागों में डिवाइड हो गए। सेंटर वाला बॉक्स सेक्शन हमारा तैयार हो गया, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का वो भी तैयार हो गया। तो ये हेयर कटिंग हम थोड़ा डिफरेंट बताने जा रहे हैं। अब हम सेंटर पार्टिंग वाले जो लॉक किए हेयर्स हैं, हमने उनको खोला और खोलने के बाद में हम इन हेयर्स को स्ट्रेट ले गए और सुलझाते हुए स्ट्रेट हेयर्स को हम हेयर कट देंगे। ये बॉक्स सेक्शन के हेयर्स हैं और इनका हेयर कट हम इस प्रकार करेंगे। देखिए, जितनी हमको अपने हेयर कटिंग में लेंथ लेनी है उतना हम हेयर कटेंगे, उतना ही हमको हेयर कट करना है। ये देखिए करीब 11 इंच के करीब ये हेयर्स हैं और हमने इनका हेयर कट किया। फिर से देखिए फिनिशिंग के साथ में हम सारे हेयर्स को ऊपर ले गए 90 डिग्री तक ले जाकर। हमने हेयर्स का कट किया और इन हेयर्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, सेंटर पार्टिंग की और इक्वल दो भागों में हेयर कट किए हुए हेयर्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे जो हेयर कट किए हुए हेयर्स हैं हमारे गाइडलाइन हो गई। जो फिर से एक बार हम समझाना चाह रहे हैं कि जो हमने बॉक्स वाले हेयर्स का कट किया था उसको हम स्ट्रेट 90 डिग्री तक ले गए और जितने हमको हेयर्स की लेंथ लेनी है उतना हमने कट किया और कट करने के बाद में बॉक्स हेयर्स को हमने सेंटर पार्टिंग करके दो भागों में डिवाइड कर दिया। और ये हेयर्स हमारे अब सारी कटिंग की गाइडलाइन बन गए। और फिर हमने बैक पोर्शन के हेयर को दो भागों में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स को हमने लॉक किया है और राइट हैंड साइड का अब हम कट कर रहे हैं। तो गाइडलाइन हमारी जो बॉक्स सेक्शन के हेयर्स की कट किए हुए हैं वो है, और पतली पार्टिंग लेकर हमने गाइडलाइन मिक्स की और देखिए ये इस तरह से कितने करीब 10 इंच के करीब हेयर्स हैं हमने कट किया। एक बार फिर से देखिए, अभी हम राइट हैंड साइड का कट कर रहे हैं। हमने पतली पार्टिंग की क्लियरिटी के साथ में और जो हमारी गाइडलाइन है उसके साथ में हमने कट कर दिया। और इन हेयर्स को अब हम 90 डिग्री तक ले गए कट किए हुए हेयर्स को और हमने ट्रिम किया। जो छोटे बड़े हेयर्स थे हमने उनको रिमूव किया। तो ये हमारे फ्रंट पोर्शन का हैवी लुक लाने के लिए हमने किया है। अब फिर वही पतली पार्टिंग हम करेंगे और पतली पार्टिंग करने के बाद में स्ट्रेट फ्रंट लेकर आए और गाइडलाइन के अनुसार हमने हेयर कट किया। ये देखिए काफी लंबे हेयर्स हैं जिनको हमने कट किया है। ये क्लियरिटी के साथ में हम पार्टिंग दिखा रहे हैं और फिर पतली पार्टिंग की, हेयर कट किए हुए हेयर्स को उसमें मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में हम आगे हेयर्स को लेकर आए, स्ट्रेट लेकर आए कॉम करते हुए। और देखिए ये गाइडलाइन के अनुसार हमने हेयर कट किया। तो इस तरह से ये हमारे राइट हैंड के जो हेयर्स हैं,
राइट हैंड साइड के पहले हम कट करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे। एक बार फिर से देखिए, हमने पतली पार्टिंग की क्लियरिटी के साथ में, और जो हमारे हेयर कट किए हुए हेयर्स हैं उनमें मिक्स किया। गाइडलाइन के अनुसार हम इक्वल ग्रिपिंग के साथ में हेयर्स को लेकर आए और फिर हमने ट्रिम किया। ये देखिए, अब सारे हेयर्स को एक बार फिर से हम लेकर आए और स्ट्रेट लाते हुए ग्रिपिंग के साथ में हमने जो कट करना था वो गाइडलाइन के अनुसार कट किया। इस प्रकार ये देखिए, अब लास्ट वाली हमारी पतली पार्टिंग जो साथ में आनी है वो आ गई। सारे हेयर्स को हमने ग्रिपिंग के साथ में लिया और कॉम करते हुए देखिए, टाइट कॉम करते हुए फिंगर ग्रिपिंग के साथ में हम स्ट्रेट लेकर आए और वही गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने हेयर कट किया। ये हमारे राइट हैंड के जो सारे हेयर्स थे उसका कट हो गया और अब हम फिर से सारे हेयर्स को लेकर आ रहे हैं कॉम करते हुए और फिर से फिनिशिंग देने के लिए और नोचिंग करने के लिए। ये देखिए किस तरह से हमने ग्रिपिंग के साथ में हेयर्स को टाइटली लिया है जिससे कि कोई भी हेयर्स हमारे छोटे बड़े ना रहें। ये हम लेकर आए और फिंगर की ग्रिपिंग के साथ में हमने ये नोचिंग का काम अब शुरू किया हेयर्स में बोन्स लाने के लिए, हैवी लुक लाने के लिए हमने ये नोचिंग दी और हेयर्स को कंप्लीट किया। ये हमारे राइट हैंड साइड के सारे हेयर्स का काम परफेक्टली हो गया और देखिएगा किस तरह का लुक आया है, एक अलग अंदाज में। और अब हम लेफ्ट हैंड साइड का उसी प्रकार कट करेंगे जिस प्रकार के हमने राइट हैंड साइड का किया था। हमने वही जो लॉक किए हुए हेयर्स थे उनको खोला और देखिए गाइडलाइन हमारे साथ है, क्योंकि जो सेंटर पार्टिंग की थी उसको दो भागों में हमने कर दिया था तो गाइडलाइन हमारे लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स में भी है। हम अच्छे से हेयर्स को सामने लेकर आए, फ्रंट पोर्शन पर लेकर आए और देखिए इस तरह से 90 डिग्री तक स्ट्रेट लेकर और फिर गाइडलाइन के अनुसार हमने कट किया। गाइडलाइन हमारी कटिंग के साथ बरकरार रहती है और उसी के अकॉर्डिंग हमको हेयर कट देना चाहिए जिससे कि एक क्लियरिटी रहे। ये कट देने के बाद में अब देखिए हम स्ट्रेट 90 डिग्री तक ले गए और जो छोटे बड़े हेयर्स हैं उनको हमने इक्वल किया, ट्रिम किया और फिर हम पतली पार्टिंग करेंगे। पतली पार्टिंग क्लियरिटी के साथ में लेकर और जो हमारे हेयर कट किए हुए हैं उनमें मिक्स किया और स्ट्रेट हम 90 डिग्री तक ले जाकर कॉम करते हुए ग्रिपिंग के साथ में गाइडलाइन के अनुसार ये हमने कट किया। गाइडलाइन जब हमारे साथ होती है तो हमें ये डर नहीं रहता है कि हमारा हेयर कट किस प्रकार होगा, क्योंकि वो हमें एक नाप तोल का अंदाज बताती है कि हमको
कितना हेयर कट करना है और कितना नहीं करना है। तो फिनिशिंग के साथ में देखिए, फिर से हमने पार्टिंग की हेयर्स को लिया और वही ट्रिम किए हुए हेयर्स को उसमें मिक्स किया और गाइडलाइन के साथ में हमने कट किया। तो इस तरह से हमारा ये हेयर कट एक लास्ट में किस रूप में आता है वो हम दिखाएंगे पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, कि कितना एकदम जो क्लाइंट है उनका फेस चेंज हो गया। मेन बात ये है, स्मार्ट एकदम दिखने लगी। इसी प्रकार हम सारे हेयर्स को पतली पतली पार्टिंग करके गाइडलाइन को साथ में लेकर कट किया और ये देखिए सारा कट होने के बाद में ये कितना सुंदर फेस दिखाई दे रहा है और एक स्मार्ट लुक में हमारे सामने आ गया। विश्वास है आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।